Presenting Civil Guruji app available in Google Play Store. Download now. तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिस्ट ऑफ लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में, यानी कि जब भी आप हाईवे कंस्ट्रक्शन के वर्क को एग्जीक्यूट करवाएंगे तो कौन कौन से लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी आपको, बिटुमिन और बिटुमिनस मिक्सेस जो तैयार किए हैं आपने उसके टेस्ट के रिगार्डिंग। तो आज के वीडियो में हम वो सारे इक्विपमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं कि कौन कौन से इक्विपमेंट्स यूज़ किए जाते हैं बिटुमिन और बिटुमिनस मिक्सेस के लिए, और उनका क्या क्या पर्पस होता है यूज़ करने का। इन सारे चीज़ों के बारे में आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो इंजीनियर्स, मैं इंजीनियर विवेक कुमार पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल हाईवे कंस्ट्रक्शन बाय सिविल गुरुजी में, जहां हम बात करते हैं कम्प्लीटली सिविल इंजीनियर्स के ग्रोथ के रिगार्डिंग। तो जो सबसे पहला इक्विपमेंट है हम जिसके बारे में बात करने वाले हैं वो है पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप। तो पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप में कौन कौन से और भी इक्विपमेंट्स आते हैं साथ में, तो इसमें जो होता है एडजस्टेबल वेट का अरेंजमेंट गिवन रहता है और इसमें नेडल गिवन रहता है, और इसकी टेस्ट मेथड की जानकारी आपको मिलेगी IS 1203-1958 में। तो पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप का यूज़ क्या होता है, तो ये यूज़ किया जाता है आपका जो बिटुमिन है उसके कंसिस्टेंसी को डिटरमाइन करने के लिए, और साथ ही साथ जो आपका बिटुमिन है वो कौन से ग्रेड का है वो आपका पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप से ही डिटरमाइन किया जाता है। इसमें क्या किया जाता है, आपका जो बिटुमिन सैंपल होता है उसमें डिप्रेशन क्रिएट किया जाता है, और वो डिप्रेशन का जो मेजरमेंट होता है वो 1/10 यानी mm का 10वां हिस्सा होता है, और जिसे हम पेनिट्रेशन नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे आपका पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप में आप कैलकुलेट क्या करते हैं, तो पेनिट्रेशन नंबर आप कैलकुलेट करते हैं जिसमें आपको वेट के अरेंजमेंट दिए गए रहते हैं और नेडल्स भी दिए गए रहते हैं जिससे आप पेनिट्रेशन नंबर कैलकुलेट करते हैं। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में जो कि है आपका सेंट्रीफ्यूग अपैरेटस, जिसे हम सॉक्सलेट एक्सट्रैक्शन भी कहते हैं, और इसमें एक्सट्रैक्शन थिम्बल्स होते हैं सॉल्वेंट के साथ और फिल्टर पेपर के साथ। तो इसमें ये जो इक्विपमेंट होता है आपका सेंट्रीफ्यूग एक्सट्रैक्टर, इसका यूज़ क्यों किया जाता है, तो इसका यूज़ किया जाता है बिटुमिन के परसेंटेज को डिटरमाइन करने के लिए। जो भी आपका बिटुमिनस पेविंग मिक्सचर है उसमें बिटुमिन कितना परसेंटेज है ये डिटरमाइन किया जाता है आपके सेंट्रीफ्यूग एक्सट्रैक्टर के साथ। और इसमें जो यूज़ होता है फिल्टर पेपर यूज़ होता है इस इक्विपमेंट के साथ, और बेंजीन का भी यूज़ किया जाता है एज अ सॉल्वेंट। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में जो कि है बिटुमिन लेबोरेटरी मिक्सर। तो जैसा कि आपको नाम से समझ में आ रहा है मिक्सर यहाँ पे दिया गया है, यानी कि इसका जो यूज़ होने वाला है वो मिक्सिंग पर्पस के लिए यूज़ होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर मिक्सिंग द बिटुमिन फॉर मेकिंग डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट स्पेसिमेन। इसमें क्या किया जाता है, अलग अलग टेस्ट स्पेसिमेन बनाया जाता है बिटुमिन को मिक्स करके, यानी कि जब आप मिक्स डिज़ाइन करते हैं बिटुमिनस मिक्सचर का तो उसके लिए आपको यूज़ करना रहता है बिटुमिन लेबोरेटरी मिक्सचर। ये आपका टेस्ट स्पेसिमेन को मिक्स करने के लिए यूज़ करता है। और यहाँ पे मिक्सिंग किस तरीके से किया जाता है, तो दो तरीके के मोशन में ये मिक्सर वर्क करता है, एक रिवॉल्विंग मोशन और एक प्लैनेटरी मोशन। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में जो कि है आपका मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस। मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस ऑटोमेटिकली ऑपरेटेड होना चाहिए, और इसकी जानकारी ASTM 155962 में दिया गया है, कंप्लीट विथ एक्सेसरी विथ 180 न्यूटन मार्शल मोल्ड। जो मार्शल मोल्ड होना चाहिए आपका वो 180 न्यूटन का होना चाहिए। अब इसका यूज़ कहाँ किया जाता है उसको हम देखते हैं। तो इसका यूज़ किया जाता है हॉट मिक्स डिज़ाइन को प्रिपेयर करने के लिए। जो भी आपका बिटुमिन और एग्रीगेट से मिक्स डिज़ाइन प्रिपेयर होगा
उसका प्रिपरेशन आपको मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस में करना रहता है, और यहाँ पे जो आपका एग्रीगेट का साइज फिक्स रहता है मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस में कि आप 25 mm तक के मैक्सिमम साइज के एग्रीगेट यूज़ कर सकते हैं मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस में। इसमें आपको इस टेस्ट में मार्शल मेथड जो होता है इसमें आप मिनिमम स्टेबिलिटी पता लगाते हैं, फ्लो कोशेंट, फ्लो वैल्यूज़ जो भी आपके आते हैं उसको आप डिटरमाइन करते हैं। तो मेनली ये यूज़ किया जाता है आपके डिज़ाइन मिक्स पर्पस के लिए, जब भी आप DBM का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो या फिर बिटुमिनस कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन करवा रहे हो, तो एस्फाल्ट बाइंडर कंटेंट को किस तरीके से डिटरमाइन किया जाएगा वो आपका इस इक्विपमेंट के जरिए होता है, मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस के जरिए। द सिलेक्शन ऑफ एस्फाल्ट बाइंडर कंटेंट विथ अ सुटेबल डेंसिटी विथ सेटिस्फाई मिनिमम स्टेबिलिटी एंड द रेंज ऑफ फ्लो वैल्यूज, यानी कि मिनिमम स्टेबिलिटी कितना है, कितना फ्लो वैल्यू है यानी कि फ्लो कोशेंट है, ये सारी चीज़ें आप कैलकुलेट करते हैं इस अपैरेटस के जरिए। अब आते हैं अगले इक्विपमेंट में जो कि है आपका फ्यूरोल विस्कोमीटर। ये फ्यूरोल विस्कोमीटर का यूज़ कहाँ किया जाता है, तो इसका यूज़ होता है विस्कोसिटी डिटरमाइन करने के लिए, जो भी आपका लिक्विड बिटुमिन है उसका कितना विस्कोसिटी है। जैसा कि आपका विस्कोसिटी ग्रेडेड पेविंग बिटुमिन होता है तो VG10, VG20, VG30, VG40, तो ये फ्यूरोल विस्कोमीटर है, उस विस्कोसिटी को डिटरमाइन करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है उसको देखते हैं। तो प्रिंसिपल जो इसका होता है, हायर द विस्कोसिटी ऑफ बिटुमिन मोर टाइम विल बी रिक्वायर्ड फॉर द क्वांटिटी टू फ्लो आउट, यानी कि जितना ज़्यादा विस्कोसिटी होगा आपके बिटुमिन का उतना ज़्यादा समय लगेगा आपके बिटुमिन के क्वांटिटी को फ्लो आउट होने में यानी कि बाहर निकलने में। तो इस तरीके से ये इंश्योर करता है कि कौन से ग्रेड का बिटुमिन है। अगर VG10 है तो VG10 पतला होगा, VG20 उससे डेंस होगा, VG30 और डेंस होगा, VG40 और भी ज़्यादा डेंस होगा। तो कितने क्वांटिटी में आपका बिटुमिन बाहर निकल रहा है उस हिसाब से ये जो इक्विपमेंट है ये डिसाइड करता है कि आपका कौन सा ग्रेड का बिटुमिन है। इट इंश्योर्स द क्वालिटी ऑफ बिटुमिन यूज्ड एज अ बाइंडर बाय गिविंग अ मेजर ऑफ फ्लुइडिटी एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर। तो ये बताता है कि आपके बिटुमिन का क्वालिटी कैसा है जो भी आप एज अ बाइंडर यूज करने वाले हैं, और उसके फ्लुइडिटी को मेजर करता है एट अ पर्टिकुलर टेम्परेचर, यानी कि सिंपल इसमें विस्कोसिटी निकाला जाता है कि आपके बिटुमिन का कितना विस्कोसिटी है। अब अगले इक्विपमेंट में आते हैं जो कि है आपका डक्टिलिटी मीटर। तो डक्टिलिटी मीटर का यूज़ क्यों किया जाता है, तो डक्टिलिटी मीटर का यूज़ किया जाता है डक्टिलिटी डिटरमाइन करने के लिए। जैसा कि नाम में ही आपको समझ में आ रहा है कि ये डक्टिलिटी पर्पस के लिए ही यूज़ किया जाता है, टू डिटरमाइन द डक्टिलिटी ऑफ बिटुमिनस मटेरियल बाय मेजरिंग द इलोंगेशन बिफोर ब्रेकिंग। यहाँ पे क्या किया जाता है, दो एंड्स रहते हैं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, और दो एंड्स में आपके बिटुमिन को फिक्स किया जाता है और उसको स्ट्रेच किया जाता है यानी कि इलोंगेट किया जाता है, और उसको हमको इलोंगेट करते हुए जाना रहता है। तो हमको वो पॉइंट मेजर करना रहता है जब ये ब्रेक होने वाला हो, यानी ब्रेक होने से पहले के पॉइंट को मेज़र करने के लिए आप यूज़ करते हैं डक्टिलिटी मीटर का। तो अलग अलग ग्रेड के बिटुमिन होते हैं, जैसा कि S35 का जो इलोंगेशन होता है टोटल 50 सेंटीमीटर तक होता है। अगर आप S45 या S65 या S90 यूज़ कर रहे हैं तो इसका इलोंगेशन होता है 75 सेंटीमीटर। तो ये इलोंगेशन नापता है कि कितने दूर तक आपका मटेरियल स्ट्रेच हो रहा है, यानी कि कितना ड्यूरेबल है आपका मटेरियल, यानी कि आपके मटेरियल का कितना डक्टिलिटी है, इसको जानने के लिए आप डक्टिलिटी मीटर का यूज़ करते हैं। तो आज के वीडियो में हम लोगों ने अलग अलग लैबोरेटरी इक्विपमेंट्स के बारे में बात किया जो कि यूज़ किए जाते हैं आपके बिटुमिन और बिटुमिनस मिक्सेस के टेस्ट के लिए। तो हमने अलग अलग मेजरिंग डिवाइस देखा जैसे कि पेनिट्रोमीटर ऑटोमेटिक टाइप, सेंट्रीफ्यूग अपैरेटस, बिटुमिन लैबोरेटरी मिक्सर, मार्शल कंपैक्शन अपैरेटस जिसका 180 न्यूटन मार्शल मोल्ड जिसमें यूज़ होता है, फ्यूरोल विस्कोमीटर और डक्टिलिटी मीटर।
तो ये सारे टेस्ट इक्विपमेंट्स के बारे में हम लोगों ने बात किया, और भी बहुत सारे इक्विपमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं, जैसा कि आपका सॉफ्टनिंग पॉइंट के लिए रिंग एंड बॉल अपैरेटस का यूज़ किया जाता है, डिस्टेंस रीडिंग थर्मामीटर का यूज़ किया जाता है, राइफल बॉक्स का यूज़ किया जाता है, ऑटोमेटिक एस्फाल्ट कंटेंट मीटर, मैस्टिक एस्फाल्ट, हार्डनेस टेस्टिंग इक्विपमेंट, सैंड इक्वेलेंट टेस्ट अपैरेटस, कोर कटिंग मशीन सुटेबल फॉर अप टू 150 mm डायाकोर, और थर्मोमीटर्स का यूज़ किया जाता है टेम्परेचर को चेक करने के लिए आपके बिटुमिन के लिए। तो इन सारे इक्विपमेंट्स के बारे में हम इस वीडियो के पार्ट टू में बात करने वाले हैं। तो अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें, और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों, और आगे की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। प्रेजेंटिंग सिविल गुरुजी ऐप अवेलेबल इन गूगल प्ले स्टोर, डाउनलोड नाउ।